नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। बालाघाट जिले के लांजी तहसील क्षेत्र सीमा से लगे आम गांव महाराष्ट्र थाना क्षेत्र के ग्राम मुंडी पार स्थित बाघ नदी में 7 सितंबर की सुबह मारबत का पुतला विसर्जन करने ग्राम काली माठी के युवकों की टीम गई थी, जिसमें विसर्जन के दौरान 4 युवकों के पानी के बहाव में डूबने की जानकारी सामने आई है। बताया जा रहा है कि चारों युवक अपने अपने परिवार में इकलौते थे। यह हादसा नारबौद के दिन सुबह 8 से 8:30 बजे के दौरान घटित हुआ। बाघ नदी में डूबने वाले युवकों में संतोष अशोक बहेकार 19 वर्ष, रोहित नंद किशोर बहेकार 18 वर्ष, मयूर अशोक खोबरागड़े 21 वर्ष और सुमित दिलीप शेंडे 16 वर्ष सभी निवासी ग्राम काली माटी बताए जा रहे हैं। रेस्क्यू टीम इनकी तलाश कल से कर रही है, जिसका अब तक कोई पता नहीं चल पाया है। आज 8 सितंबर की सुबह से भी तलाश जारी है। हालांकि घटनास्थल पर खबर लगते ही राहत और बचाव दल की रेस्क्यू टीम पहुंच चुकी थी और लापता युवकों की तलाश 7 सितंबर से कर रही है। बताया गया है कि पानी का बहाव तेज होने के कारण उक्त चारों युवक की खोज में बाधा उत्पन्न हो रही है। घटनास्थल पर आमगांव थाने के सहायक पुलिस निरीक्षक श्री नाले और तहसीलदार आमगांव की मौजूदगी में खोज कार्य अभी भी जारी है।